और गाड़ी निकल चुकी है, तैयार हो गए यार। और खत्री जी आ गए हैं। अरे बधाई हो भैया। धन्यवाद धन्यवाद ब्लॉगिंग के लिए। तो अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, सोनू आ रही है अपना सामान लेके, बाकी सब आ गया है और दीपू हमें वहीं मिलेगा। और ये भी आ गई है अब तो बस। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव ब्लॉग। और हम जा रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है रामनगर के पास। अभी हम हल्द्वानी में, तो अब रास्ते में बात करते हैं। तो ये व्लॉग है 9th February 2024 का। मैं बीच में व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल पाई थी क्योंकि कुछ काम भी आ गए थे और फिर हमारा कोड भी खुल गया था। और उससे पहले भी कुछ जगह गए थे हम, मतलब कॉर्बेट से पहले भी हम नेपाल भी गए थे और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी गए थे। वो व्लॉग्स भी पेंडिंग हैं क्योंकि मेरी जो मेमोरी कार्ड है, हमारा जो मेमोरी कार्ड है गोप्रो का, वो करप्ट हो गया था वहाँ नेपाल में ही, पता नहीं किस वजह से हुआ, तो हमने रिकवरी के लिए दिया हुआ है। हाँ, तो हम इस व्लॉग के बारे में बात करते हैं। ये व्लॉग है 9th February का और हम आए थे हल्द्वानी नैनीताल से। मम्मी आई हुई थी हमारे घर पे, तो हम उन्हें छोड़ने के लिए फिर हल्द्वानी आए। फिर हमें कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना था, हमारी वहाँ की बुकिंग थी। तो छोटा भाई ढिकाला ही गया हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक जोन है ढिकाला, वहीं रुका था। और हम लोग जा रहे थे हल्द्वानी से और वो हमें मिलता रामनगर में। फिर हमें जाना था फाटो जोन कॉर्बेट नेशनल पार्क के। और हल्द्वानी में हुआ ये कि 8th February को वहाँ दंगे जैसी स्थिति हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था। तो जिस दिन हम हल्द्वानी पहुँचे थे 8th February को, उस दिन की बात है कि हल्द्वानी में एक एरिया है बनबुलपुरा, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटना था और पुलिस बल गई थी JCB लेकर कि वहाँ इंक्रोचमेंट हटाने। लेकिन वहाँ लोगों ने काफ़ी पथराव कर दिया पुलिस के ऊपर और पेट्रोल बम फेंका गया, मतलब बॉटल्स में पेट्रोल डाल के पुलिस के ऊपर फेंका उसे जला के। और काफ़ी सारी गाड़ियां भी जल गई और पुलिस वाले भी घायल हो गए और पुलिस स्टेशन भी जला दिया था। तो बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी, दंगे जैसे हालात हो गए थे। उसके बाद शाम को 7-8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था, सब पूरा बंद हो गया था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता और गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ चलनी बंद हो गई थी। वही एक ज़रिया था जिससे कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी कहीं से निकल के आ जा रहा था और एकदम लड़ाई झगड़े, मतलब मारना, पुलिस वाले बहुत घायल हो गए थे और पता नहीं फिर क्या क्या हुआ वहाँ। उस समय हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें रात को बस न्यूज़ चैनल के में हम देख रहे थे जो भी था। और लास्ट नोटिफिकेशन जो फ़ोन पर यही आया था कि अब कर्फ्यू लगा दिया गया, कोई घर से बाहर ना निकले और नेट बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो हमारी जब शाम को ही बात हुई थी अपने सफ़र, ढिकाला में भी नेटवर्क आता नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी नेटवर्क था, तो हमारी भाई से बात हुई थी दिन में शाम के टाइम पे ही, मतलब कर्फ्यू से पहले कि हम रामनगर में मिल जाएंगे। तो हम शाम को ये था कि हमें टेंशन था कि स्थिति सुधरेगी या क्या होगा, कल क्या स्थिति बनेगी, मतलब इस स्थिति को लेकर तो ज़्यादा टेंशन था कि जो कुछ हो रहा था हल्द्वानी में, क्योंकि हमने तो पहले बचपन से, मतलब जब से भी हम हल्द्वानी में रहे हमने कभी ऐसी स्थिति देखी नहीं थी और बहुत ज़्यादा घबरा भी गए थे कि क्या हो गया है। तो सुबह तक खैर कंट्रोल में आ गई थी स्थिति और ये परमिशन मिल गई थी कि गाड़ियाँ चल सकती है अगर किसी को कहीं निकलना है, लेकिन उस तरफ को नहीं जहाँ पर ये हालात हुए थे। हमारा घर भी हल्द्वानी में बट उस डायरेक्शन में नहीं, दूसरे डायरेक्शन में। तो अगर हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रुद्रपुर या फिर बरेली की साइड जा रहे होते तो हम नहीं जा सकते थे, हमें जाना था रामनगर की तरफ। तो हमारे घर से कलाडुंगी पास पड़ता है तो वहाँ से सेफ था जाना, और हमें इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर था कि अगर पुलिस ने रोका तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन जाने दे रहे थे और वैसे भी हमारी ऑलरेडी बुकिंग थी तो हमें तो जाना ही था, वरना तो हम निकलते नहीं। तो फिर अब हम पहुंच गए थे रामनगर। तो मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ लोग इन्वॉल्व थे उसमें। और लेकिन सज़ा फिर सबको ही मिलती है, और क्योंकि कर्फ्यू लग गया तो सभी को सज़ा मिली। तो रामनगर पहुंचते ही हमने की बर्ड वॉचिंग, और हमारा पहले से प्लान था काफ़ी टाइम से कि हम गर्जिया मंदिर जाएंगे, लेकिन टाइम इशू रहता था, टाइम का इशू कि हम एक्यूरेट टाइम पे पहुंचते थे जब भी हमें सफारी जाना होता था, तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि वो लोग ढिकाला से आने वाले थे और हमारी सुबह की सफारी नहीं थी, वरना सुबह की सफारी होती तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, दिन की सफारी थी और उनको आने में टाइम भी लगता। तो हमने सोचा जितना भी टाइम बचा हुआ है हम उस समय बर्डिंग भी कर लेंगे और मंदिर भी चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कर रहे थे बर्डिंग और उसके बाद जाएंगे गर्जिया माता के मंदिर। और देखिए ये हैं बर्ड्स, ब्रिटिश शेल्डक। ये माइग्रेटरी होती हैं और उसके बाद कॉर्मोरेंट्स बैठे हैं पीछे। और बैराज का एरिया इनको इसलिए भी पसंद है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितनी बड़ी फिशेज हैं यहाँ पे, तो इनको खाने के लिए पर्याप्त सोर्स मिल जाता है।
हम अभी रामनगर में हैं और आज हम सफारी के लिए जा रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। हम जाएंगे फाटो जोन, तो अब यहाँ से निकलते हैं गर्जिया मंदिर की तरफ। गर्जिया मंदिर के पास भी थोड़ा बर्ड वॉचिंग करेंगे और हम मंदिर भी जाएंगे। और छोटा भाई अभी निकाला जोन में गया है, वो भी हमारे साथ चलेगा। तीन तो हम ऑलरेडी हैं, एक वो भी हमारे साथ में आएगा। तो फाटो जोन थोड़ा दूर है यहाँ से, तो हाँ टाइमली जाना पड़ेगा। वैसे तो 2 बजे से सफारी है, तो हम यहाँ से 1 बजे निकल जाएंगे। और काफ़ी सारी बर्ड्स आई हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं। तो आप बताइए कौन कौन सी बर्ड्स हैं अभी यहाँ पे? अभी तो मेनली रेडिश शेल्डक दिखी है मुझे, और कॉर्मोरेंट है, और हाँ और एक दो और बर्ड्स दिख रही हैं, लेकिन वो थोड़ी दूर पे हैं। तो अभी गर्जिया वाले एरिया में देखते हैं क्या क्या दिखता है। तो अब हम निकल चुके थे कोसी बैराज से, जिस डैम के पास हम थे उसका नाम है कोसी बैराज, जो कि रामनगर में है। वहाँ से गर्जिया मंदिर था 15 किलोमीटर। तो हम पहले रामनगर सिटी में पहुँचे थे। रामनगर सिटी से जिस रूट पे हम जाएंगे, तो वहाँ से डिकाला जोन, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही जोन है, डिकाला जोन, बिजरानी जोन, गर्जिया जोन, तो सब इसी रूट पे हैं। मतलब थोड़ा आगे पीछे हैं रास्ते और गेट्स अलग अलग हैं। तो और जहाँ फाटो जोन हम जाने वाले हैं, वो दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे रूट पे है। और एक सीताबनी भी यहाँ का जोन है, वो भी अलग डायरेक्शन में है। तो गर्जिया मंदिर है इस रूट पे, और जहाँ भैया गया डिकाला जोन, वो भी इसी रूट पे गेट है। और यहीं से मोहान को भी रास्ता जाता है। अगर आपको रानीखेत भी जाना है तो इसी रूट के थ्रू आप जाएंगे। तो हम पहले जा रहे थे गर्जिया मंदिर, और फिर देखेंगे कि वो लोग हमें यहीं मिलेंगे या फिर हमें रामनगर में मिलेंगे, जैसा भी रहेगा। अब हम पहुंचने वाले थे गर्जिया मंदिर, और यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह भी बने हैं रास्ते में, होटल्स हैं अगर आपको कभी रुकना हो, और खाने के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, सीज़न टाइम पर थोड़ा ध्यान देने का होता है कि पहले से बुकिंग करा के आना होता है। गेट आया है गर्जिया जोन का, पुराना गेट है। अब कहाँ से होती है? अब होती है उधर से, रिंगोड़ा से। अब रिंगोड़ा से होती है। हम जब गए थे तो इसी रास्ते से गए थे, जब पहली बार जिस दिन ओपनिंग थी। हाँ ओपनिंग थी, उसके बाद से तो गए नहीं है। एक और बार गए थे शायद, गर्जिया तो मुझे याद नहीं। बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं ताकि कोई यहाँ पे गाड़ी ना रोके। पूरा टाइगर का एरिया है, तो अनसेफ हो जाता है गाड़ी रोकना यहाँ पर। तो वैसे तो लोग मानते नहीं है ना, आप कितना भी वार्न कर दीजिए या कितने भी वार्निंग साइन बोर्ड्स लगा दीजिए, बट उन्हें गाड़ी रोकनी है तो फिर वो उतरेंगे, रोकेंगे गाड़ी। इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं कि ताकि गाड़ियाँ ना रुके और अनसेफ ना हो किसी के लिए भी। और गर्जिया मंदिर का गेट आने वाला है। अगर आप सीधे आगे की तरफ जाएंगे तो डिकाला का गेट भी आगे है और रानीखेत का रूट भी है। हमें राइट साइड को मुड़ना है, जो गर्जिया मंदिर का गेट बना हुआ है उससे अंदर को जाना है। तो यहाँ भी टाइगर अक्सर दिखता है, और बीच में तो यहाँ से क्रॉस करके जा रहा था बिल्कुल गेट के पास से, वो वीडियोस भी हमने देखी, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी आगे को रास्ता, और हम मुड़ेंगे यहाँ से आया था टाइगर, और यहाँ से क्रॉस करके गया जाता है अक्सर। ये देखिए यहाँ भी जंगल है और इधर भी, क्योंकि यहाँ नदी है, पानी है। और हम पहुंच गए, गाड़ी हमने इधर ही लगा दिया, यहीं से प्रसाद ले लेते हैं। मंदिरों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे से भी आएगा पता नहीं चलेगा। मंदिरों का आतंक सब जगह है। और मंदिर का प्रवेश द्वार आ गया है, सर।
रहा है और ब्रिज भी दिख रहा है और ऐसे ऊपर सीढ़ियों से जा रहा है। मेरे खतरे जी भी यहीं पे हैं। स्टैंड कितना तक हिल जाता है और मंदिर दिख रहा है और सामने आ गया माँ गड़िया देवी का मंदिर। जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए मंदिर और सीढ़ियों से ऊपर जाना है और नीचे देखिए पानी कितना सुंदर हो रहा है। देखिए आज जैसे जबकि छुट्टी का दिन नहीं है और तब भी इतनी भीड़ है तो सोचिए कि और समय कितनी भीड़ रहती थी छुट्टी में। और नवरात्रियों में तो यहाँ पूरा गेट तक मतलब ब्रिज पूरा भरा रहता है। इतनी लंबी गेट तक लाइन रहती है। तीन चार चार घंटे खड़े रहना पड़ता है लाइन में दर्शन के लिए। और ये ब्रिज का पहरेदार क्या खाएगा? हाँ सब पता चला। क्या केला ही है? होंगे आसपास इसके भाई लोग। मोर की आवाज कहाँ से आई? उधर मोर है। हाँ सामने गांव जो है सुंदर खाल का हुआ है ना यहाँ तक मुझे पता है। ये कौन सा गांव हुआ? जी चौंखला। इतनी बार इस मंदिर में आए हैं लेकिन शायद मैंने कभी नहीं पूछा इस गांव का नाम। और इस एरिया में बहुत ज्यादा टाइगर का मूवमेंट रहता है। अरे वो एक गांव यही तो है शायद वो चूकम आगे। आइस भी जो है सुबह सुबह कर रहे हैं। और ऊपर को चढ़ रहे हैं माता के मंदिर को। और अब हम मंदिर से नीचे आ गए हैं। लोग बहुत बहुत दूर से आए थे। एक अंकल बता रहे थे, कह रहे थे कि माता हमें 35 साल बाद बुलाई है, क्या गलती होगी हमसे, हरिद्वार से आए थे वो। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, आज भीड़ भी नहीं थी और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। अब भैरव मंदिर चलते हैं। और ये भैरव जी का मंदिर है और कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ का। हाँ जय माता रानी। तो जो माँ गर्जिया है उन्हें लोग गिरिजा माता भी कहते हैं और ये पार्वती माता का ही एक रूप है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ से रास्ता चाय तो वो भी पियेंगे। यहाँ से लेते हैं खिचड़ी। खिचड़ी इसमें है? खिचड़ी नहीं, इसमें खिचड़ी थी। दुर्गा का भैरव का ले दो बाबू। और यहाँ क्योंकि हमें नदी पार करके जाना पड़ेगा और मैंने मोजे नहीं उतारे हैं तो सोनिका जा रही है और मैं यहीं रुकूंगा। मैंने माता को यहीं से हाथ जोड़ लिए हैं। हाँ छुआ दो उसको। मैंने कहा मैं चढ़ाती हूँ। ये चढ़ाएगी और मुझे अभी पा रही हूँ। मैंने कहा रहने दो, यहाँ पे
क्योंकि फिर मोजे में हाथ लगाऊंगा फिर मेरे हाथ धोने पड़ेंगे और पूरा पार करके जाना पड़ता है। और आपको उधर से ही दर्शन कराता हूँ मंदिर का। आप देख सकते हैं छोटी छोटी फिशेज हैं काफ़ी सारी, उधर की तरफ देखिए कितनी सारी हैं। फिशेज जंप भी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी वापस आ रही है। जय माता दी। और लोग यहाँ पे फिश के लिए खाना भी डाल देते हैं। और यहाँ इतनी सुंदर छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो मैं दिखा चुका हूँ लोगों को, तो चलते हैं उस तरफ को। हाँ। और गाइस की चप्पल पहन के खड़ी है। और यहाँ भी प्रसाद की दुकानें हैं बहुत सारी। ज्यादा जूम करा मेरी तो यहाँ हम बचपन से ही आते रहे हैं गड़जा मंदिर। बड़ी सारी यादें हैं, मेरे कज़न्स और हम सब आया करते थे, क्योंकि यहीं रामनगर से थोड़ा आगे ही मेरे दादाजी का घर है। वैसे तो हमारा गांव रानीखेत है, बट दादाजी फ़ौज में थे तो उन्होंने यहाँ घर बना लिया था रामनगर के पास। हमारे जो भिकियासेन गाँव है, बतरौज खान सिंह गाँव जो मेरे मायके का है, तो वहाँ गाँव से कई लोग जब नौकरी और पढ़ाई के उसमें पास में रामनगर ही पड़ता था तो रामनगर के आसपास बस जाते थे। तो रामनगर और काशीपुर के बीच में ही बसे हुए हैं, मतलब घर बना लिया। अब दादाजी दादी तो है नहीं, जब दादी थी तो हम अक्सर जाया ही करते थे, अब तो कम होता है जाना। अब कज़न्स की भी कुछ कज़न्स की शादी हो गई है, तो यहाँ आके वो सारी यादें आने लग जाती हैं। याद उस टाइम की जब हम छुट्टियों में आया करते थे दादी के घर और फिर हम सब घूमने यहाँ आते थे। और ये देखिए यहाँ सब टाइगर का एरिया है, मतलब ये सोचिए पूरा कॉर्बेट का ही एरिया है। और इधर को अंदर की तरफ जो गांव है तो वहाँ अक्सर टाइगर आ जाता है और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन वर्सेस टाइगर वाला, एनिमल वर्सेस ह्यूमन वाला। एक दो गांव है आगे
तो जहाँ मैनेटेड टाइगर अटैक भी कर चुका है लोगों पर, और मोहान वाला एरिया भी इसी से आगे है। और चिड़ियाओं की कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है इधर, नदी की और पक्षियों की आवाज़ें। हाँ, और खत्री जी वहाँ गए हैं बर्ड वॉचिंग के लिए अभी, तो अभी पूछते हैं उनसे क्या कुछ दिख रहा है वहाँ, अगर दिख रही हैं बर्ड सो जाएंगे उस साइड को। वैसे तो वो इधर को ही आ रहे हैं, और हम यहाँ नदी के पास में हैं, और ये है मंदिर यहाँ, और बस मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, और बस अब यहाँ बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। वो लोग भी वहाँ सफारी से निकल आए, मतलब निकाला से बाहर की तरफ निकल आए हैं, हम यहीं उनका वेट करेंगे। क्योंकि हमें कौन सी तरफ जाना है फाटू, हमें तो रामनगर से जाना, हमें यहीं से जाना होता है ना, उस तरफ रामनगर जाना होगा। अभी हमें रामनगर जाना होगा, फिर वहाँ से हम फाटू जाएंगे। अगर हमें कोई और जोन जाना होता जैसे बिजरानी या फिर ढीला या झिरना, तो इसी रूट पे जाते, बट हमें तो अब दूसरे रूट पे जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा टूवर्ड्स काशीपुर, तब भी हमें पीछे को ही जाना पड़ता, पीछे जाना पड़ता, लेकिन इसी रूट पे जाना पड़ता हमें। पूरा भी रामनगर जाना पड़ेगा, और फिर हमें काशीपुर की तरफ जो रूट है वहाँ से हम फाटो के लिए जाएंगे। तो काफ़ी दूर है वो, और ढिकाला भी इसी तरफ को है, तो वो लोग तो इधर ही से आएंगे। और खत्री जी आ रहे हैं पीछे से, तो उनसे अपडेट लेते हैं कुछ दिखा कि नहीं उन्हें, फिर चाय वगैरह पी लेंगे थोड़ा बाहर निकल के। आगे हमारे खत्री जी आ रहे, हाँ उधर को चलते हैं। नहीं आए ढिकाला, ढिकाला से निकले हैं वो लोग अभी। और ये जो नदी बह रही है, ये है कोसी नदी, जो अभी हम गुलदार वैली गए थे वहाँ भी कोसी नदी बहती है। पानी यहाँ भी काफ़ी कम है, और वहाँ भी कम ही था। इस बार बरसात हुई कहाँ है, बस एक दो दिन बारिश हुई थी बीच में, वो भी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। पूरे जंगल सब जगह ड्राई पड़े हुए हैं, बारिश होना भी ज़रूरी है, होती है गलत वक्त पे गलत चीज़ें। बारिश होगी तो फिर ऐसी हो जाएगी, और ऐसे टाइम पे हो जाएगी कि क्या बोलें, तो उससे फसल वगैरह को भी काफ़ी नुकसान होता है। अब जैसे इस बार बर्फ़ गिरी नहीं अभी तक मुक्तेश्वर में, और वहाँ सेब की खेती होती है, तो सेब की खेती के लिए बर्फ़ बहुत अच्छी मानी जाती है। क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है, जनवरी में बिल्कुल भी ठंड नहीं हुई, फरवरी में ठंड हुई थी बीच में, हल्की फुल्की बर्फ गिरी थी, नैनीताल में तो चाइना पीक में ही गिरी थी, और बाकी जगह कहीं गिरी नहीं। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इसी को ही बोलते हैं, तो फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। बारिश नहीं होगी तो पूरे जंगलों को नुकसान होगा, फसलों को नुकसान होगा, और जब होगी तो फिर हो रही है तो फिर ऐसी हो जा रही खतरनाक वाली, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जो अभी देख रहे हैं नदी में पानी इतना कम है, वरना काफ़ी चौड़ी, और ये जो पत्थर देख रहे हैं वहाँ दूर दूर तक, ये तो जब मानसून का टाइम होता है बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है यहाँ पर, तो आना बहुत ही डेंजर हो जाता है, अलर्ट में आ जाता है ये एरिया पूरा। तो ये माता की शक्ति और चमत्कार ही हैं, जो इतनी भयानक बाढ़ में भी आज तक, और मानसून टाइम में जितनी बारिश होती है, उन सबको भी ये टीला झेल जाता है। मतलब अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से ये मंदिर ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये यहीं पर था टीला, कुछ लोगों का कहना है कि नदी पे बह के, नदी में बहते हुए आया और यहाँ पे स्थापित हो गया, जो भी है, लेकिन इतने सालों से यहीं पर है। इतनी बाढ़ में भी जब यहाँ पे पूरा पुल बह गया, नया पुल बना हुआ है, और इतना सब होने पर भी कभी मंदिर को आज तक तो कुछ नहीं हुआ। और कल तो हम हल्द्वानी में थे, नेट वगैरह सब बंद कर दिया था शाम को 8 बजे से सब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हंगामा हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं पता नहीं, कल वहाँ कर्फ्यू लग गया था, इनक्रोचमेंट हटाने के लिए पुलिस बल गया था, क्या कहते हैं JCB वगैरह लेकर, लेकिन वहाँ वनबुलपुरा में उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पथराव हो गया लोगों की तरफ से। सब लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे, कई लोग तो मना भी कर रहे थे, अब जैसा कि वीडियो में देखा लड़के वगैरह काफ़ी थे, तो इस वजह से काफ़ी हंगामा वहाँ हो गया। फिर बाद में
फायरिंग के ऑर्डर्स आए कि कर्फ्यू लगा दिया जाए और कोई भी बाहर ना निकले, क्योंकि बड़ा ही टफ हो गया था उनके लिए हुड़दंग रोकना, क्योंकि लगातार पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही थी पुलिस वालों पे। काफ़ी पुलिस वाले बहुत संख्या में घायल हुए और काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह भी जला दी गई थी, पुलिस चौकी जला दी गई थी वहाँ। तो बहुत हंगामा कल हुआ है हल्द्वानी में, बनबुलपुरा साइड में। तो अभी तो स्थिति बेहतर है, सुबह तो हम लोग यहाँ आ गए थे रामनगर की साइड। हम तो खैर कल बाहर नहीं निकले थे, दिन में ही काम था तो दिन में गए थे मार्केट की साइड। तो अभी स्थिति सही है सब वहाँ पर। तो इस वजह से नेट वगैरह बंद था, सुबह भी बंद था 24 आवर्स के लिए, सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी और लोगों का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था कल। खत्री जी तो बस अब इधर की साइड आ गए हैं, चाय पीते हैं। तो ये मंदिर के बारे में लिखा गया है यहाँ पर सब कुछ, अब इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंसेस भी लिखी है यहाँ से कहाँ कितनी है। कोसी बैराज जहाँ मैं रास्ते में रुके हुए थे, जहाँ बर्ड सिखा रही थी माइग्रेटरी, वो 15 किलोमीटर है यहाँ से, और मतलब रामनगर से यहाँ 15 किलोमीटर है, और सीताबनी 35 किलोमीटर क्योंकि रामनगर से आ गया, नैनीताल 78 किलोमीटर, रानीखेत 85, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 35। और यहाँ हिंदी में भी लिखा है, आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप वहाँ पे पॉज कर लीजिए थोड़ा पहले वीडियो को, और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप यहाँ पर पॉज कर लीजिए। लकड़ी लेके आ रहा है, अरे लकड़ी चबा रहा है ये भाई, भाई बहन इसके। तो अभी यहाँ से हम थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं, सुंदर खाल विलेज में हम आ गए हैं और मैगी पॉइंट जा रहे हैं हम यहाँ से, छोटा भीम मैगी पॉइंट, छोटा भीम मैगी पॉइंट से अंदर की तरफ। अभी दिन में तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ जाने में, लेकिन रात को बहुत ही खतरनाक माहौल यहाँ का हो जाता है अंधेरे में, शाम होते ही, क्योंकि सब टाइगर का एरिया है, एलिफेंट्स टाइगर्स। तो लोगों के हाँ, और क्रॉसिंग भी है क्योंकि नदी है यहाँ पर और उधर कॉर्बेट का जंगल, और यहाँ गांव बसे हुए हैं, लोग बसे हुए हैं इधर। इस तरीके से बाढ़ लगाया हुआ है लोगों ने अपने घरों में। चुकम विलेज कहाँ है, जो चुकम था जहाँ भी मैनेटर ने मारा एक को, तो मोहन से पड़ता है। अच्छा, इस विलेज में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है वुमेन वर्सेस टाइगर, और वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है बच्चों का, यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। और हम पहुँचने वाले हैं मैगी पॉइंट में, बच्चे बैठे हैं काफ़ी, पूरा कवर्ड किया हुआ है इन्होंने, पूरा बंद किया है चारों तरफ से। और ये हम आ गए अंदर को मैगी पॉइंट जो है वहाँ पे, मैं ये बता रहे शाम को यहाँ लेपर्ड की मूवमेंट है आजकल। बैठिए,
और बैठते हैं। सो गाइज आज के लिए इस व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, वरना ये व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी सफारी के लिए, और यहाँ का एक्सपीरियंस और आगे सफारी का एक्सपीरियंस आपसे अपने अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। सो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। शायद इसको भी मैगी खानी है। मैगी थोड़ी खाएगा, मैगी थोड़ी खाते अच्छे बच्चे।